इनका सवाल है कि हमारे पास में नॉलेज है, हमें ये भी लगता है कि जो चीजें बताई जा रही है वो सारी चीजें समझ में आ रही है, लेकिन जब एक्शन करने की बारी आती है तब हम वो एक्शन नहीं कर पाते। और ऐसा नहीं कि आपके साथ में ऐसा होता है, ज्यादातर लोगों के साथ में यही स्थिति बनती है कि जानते हुए समझते हुए जब काम करने की बारी आती है तो काम करने से हमें डर लगता है और कहीं ना कहीं हम उस काम को संपन्न नहीं करा पाते हैं, एक्शन में नहीं लेकर के आ पाते अपने आप को, और कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। ये ज्यादातर लोगों के साथ में स्थिति बनती है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमने थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये हमारी आदत में आ गया है और इतने जम के ये आदत बन चुकी है हमारी कि उसको आदत को चेंज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। ये ज्यादातर लोगों के साथ में यही प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि जब आप छोटे थे आपको कुछ करने के लिए कहा गया, परफॉर्म करने के लिए कहा गया, नहीं होता है, हम छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कि जाओ बेटा बोल के आ जाओ, बढ़िया कुछ एक कुछ परफॉर्मेंस देने के लिए हम बोलते हैं और बच्चा तुतलाते तुतलाते जाता है और जाने के बाद में बोल देता है। कुछ बच्चे उनमें से ऐसे भी होते हैं जो बहुत बोल्डली सारी चीजों को बोल के आ जाते हैं, बहुत तालियां बजती है उनके लिए, और कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो वहां जाते हैं और सारा कुछ भूल जाते हैं, उनको कुछ भी याद नहीं रहता। बच्चे तो हैं छोटे छोटे, वो घबरा जाते हैं। तो एक आध बार कभी आप घबरा गए तो हो सकता है कि आपके मन में ये बैठ गया हो कि मैं तो इस काम को कर ही नहीं सकता, फिर आपको कोई मौका मिला आप उसमें भी फेल हो गए। तो ऐसे जीवन में कई बार ऐसे मौके मिलने की वजह से हमारे मन में प्रोग्रामिंग हो जाती है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं। तो अभी प्रेजेंट में भी कोई काम करेंगे तो क्या होगा, आप झिझक जाओगे। और जब बार बार हम किसी काम को करके फेल हो जाते हैं तो हमारे अवचेतन मन में कहीं ना कहीं हम ये धारणा बना लेते हैं कि अब ये काम, मैं कोई भी काम करता हूं मैं ठीक से नहीं कर पाता हूं, मुझे काम करना पसंद नहीं है, मेरा काम अच्छा नहीं है, पता नहीं मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सारे डाउट आपके बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जितने भी डाउट आज की डेट में प्रेजेंट में बन रहे हैं वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि पास्ट में कई बार हो सकता है किसी को काम को करने के बाद में आप असफल हो गए हो। यदि आप असफल हो गए हो बार बार, तो अभी भी जब किसी काम को करोगे तो आपके दिमाग में क्या आने वाला है कि अभी भी मैं असफल हो जाऊंगा। और जब हम काम करने की कोशिश करते हैं तो वही बात हमारे दिमाग पर हावी होना शुरू हो जाती है और हम काम कर नहीं पाते हैं। अब इससे बाहर कैसे निकले, सबसे बड़ी बात आती है कि इससे बाहर कैसे निकले। तो बार बार हम एक सेल्फ टॉक करके उस पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं, और इसके लिए हमें थोड़ा सा दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, एक कमिटमेंट बनाना पड़ेगा। एक कमिटमेंट यदि हम दोबारा से बना लेते हैं और कोशिश करते हैं बार बार उस काम को किसी भी हालत में करने के लिए, तो ऐसा कहा जाता है कि किसी भी काम को यदि लगातार आप 20 दिन तक कर लेते हैं तो वो आपकी आदत में आ जाता है। कितना दिन करना पड़ता है आपको, लगातार यदि 20 दिन आपने किसी काम को कर लिया तो वो आपकी हैबिट बन जाता है। तो आपको ये चेक करने की जरूरत है कि जब भी आपने किसी काम को स्टार्ट किया तो क्या 20 दिन के पहले तो आप छोड़ नहीं रहे। यदि आप 20 दिन के पहले छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पुरानी आदत से परेशान हैं और उस आदत की वजह से बार बार उस काम को करना छोड़ देते हैं। यदि आपने किसी काम को निश्चित किया और निश्चित करके किसी भी हालत में एक कमिटमेंट बना के यदि उसको 20 दिन तक लगातार करते रहे, दूसरा काम फिर आपने पकड़ा और फिर 20 दिन तक काम करते रहे, तो ऐसा यदि 4-5 बार यदि किसी काम को कर लिया तो आपके दिमाग में क्या नोट हो जाएगा कि मैं किसी काम को करता हूँ, एक्शन में लेके आता हूँ, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं किसी काम को करता हूँ, कमिटमेंट बनाता हूँ और उस काम को मैं संपन्न कर लेता हूँ। एक समय के बाद में आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी कि किसी भी काम को करके, किसी भी काम को एक्शन में आकर के मैं उस काम को कंप्लीट कर सकता हूँ, ये ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगी। लेकिन इसके लिए प्रयास किसको करना पड़ेगा, हमको खुद को प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि बरसों की हमारी जो आदत है बार बार हमको वैसे ही डिसीजन, वैसे ही बिहेवियर, वैसे ही सोचने के लिए हमें मजबूर करती है। जो डर आपका बना हुआ है, जो अज्ञात डर है जिसके बारे में पता भी नहीं है कि हम किस बात से डर रहे हैं, लेकिन चूंकि पुरानी हमारी आदत है तो बार बार हम उसी तरीके से बिहेव करने वाले हैं। तो अपनी इस आदत को यदि छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर फर्स्ट तो आपको कमिटमेंट बनाना पड़ेगा,
और कमिटमेंट के साथ में उस काम को किसी भी तरीके से कंप्लीट करने के लिए आपको बिल्कुल उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। कितना भी व्यवधान आए, कितनी भी तकलीफें आए, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन उस काम को आपको कंप्लीट करके दिखाना ही है। काम छोटा भी नहीं होता, काम कोई बड़ा नहीं होता। आप छोटे छोटे काम से भी इस आदत को डालने की शुरुआत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मान लो यदि आपने आपको घूमने जाने की आदत नहीं है, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक की आपकी आदत नहीं है, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी हम किसी किसी बात से मोटिवेट हो जाते हैं और डिसीजन लेते हैं कि भाई कल से मैं जो है मॉर्निंग वॉक शुरू करूंगा, और आप शुरू भी कर देते हैं, लेकिन शुरू करते हैं, चार दिन चलता है, उसके बाद में पांचवें दिन आप बंद कर देते हैं, कोई जरूरी काम आ जाता है, तो आपकी वो हैबिट में नहीं आ पा रहा है। तो आपने ये छोटा सा काम जो डिसीजन लिया है, आपको क्या करना है, किसी भी हालत में 20 दिन तक लगातार बगैर किसी फेलियर के आपको उसको संपन्न करना है। एक छोटा सा काम है, लेकिन 20 दिन तक लगातार यदि उस काम को कर लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, आपकी आदत बन जाएगा। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड को आपको क्या मैसेज मिलने वाला है कि आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसका अंत भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं। फिर मान लो आपकी लेट सोने की आदत है, आप रोज 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, और यदि आप चाहें तो एक थोड़ा सा आजमा करके दे सकते हैं। एक छोटा सा कमिटमेंट हमने बनाया कि कुछ भी हो जाए मैं रात में 11 बजे या 10 बजे सो जाऊंगा। आपका सोने का टाइम 12 बजे का है, 1 बजे का है, आप 10 बजे कभी नहीं सोते हैं, लेकिन आप यदि सोचते हैं कि नहीं मैं कमिटमेंट करना है कि 10 बजे ही मेरे को नींद आनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, रोज आपको 10 बजे बेड पर जाकर के सो जाना है। धीरे धीरे क्या होगा कि दूसरे दिन आपको ऐसा लगेगा कि कोई काम याद आ जाएगा, आपकी इच्छा नहीं होगी, आपको बेचैनी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या करना है, 10 बजे जाकर के फिर दूसरे दिन भी सो जाना है, तीसरे दिन भी सो जाना है। और जब भी आप इस तरह के कोई कमिटमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कारण बनेंगे, कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी जरूरी बातें आएंगी, ये आपका अवचेतन मन और चेतन मन लगातार उस काम से आपको डिगाने का प्रयास करता रहेगा। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, उस काम को करने के लिए किसी भी तरीके से कमिटेड होकर के उसको कंप्लीट करने के लिए लगे रहना है। जब आप 20 दिन में इस काम को संपन्न कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो इस तरह से छोटे 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 काम करके आप अपनी हैबिट जीतने की बना सकते हैं, किसी काम को संपन्न करने की बना सकते हैं। समझ में आई बात आपको, ऐसे दसियों काम हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी काम को करने के बाद में कमिटमेंट बनाना है और 20 दिन तक लगातार करना है। ये काम कर सकते हो, यही करके दिखाना है और कुछ भी नहीं करना है। और एक बार आपकी जीतने की आदत बन गई तो लगातार फिर आपकी हैबिट में आ जाएगा, आप फिर किसी भी काम को कर सकते हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि सक्सेसफुल लोग कोई ऐसा काम नहीं करते हैं कि कुछ एक अलग तरीके से उनका ईश्वर ने कुछ ऐसा दिमाग दिया हुआ है, उनके पास में कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसकी वजह से वो सफल हो गए हैं। जितने भी सफल लोगों के बारे में आप जानकारी इकट्ठी करोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि उन्होंने सिर्फ अपनी हैबिट में चेंजेस लेकर के आए हैं, अपनी आदतों में बदलाव लेकर के आए हैं, और उन्होंने जो भी अच्छी आदतें हैं उनको डाल करके लगातार उसके ऊपर काम करते रहे हैं। और हमको भी पता है कि कौन सी अच्छी बातें हैं, किन किन आदतों से क्या किया जा सकता है, लेकिन हम कभी भी वो हैबिट में नहीं बना पाते हैं और इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जितने भी स्टेप्स इस पूरी वर्कशॉप के बाद में आपको बताए जाते हैं, आपको रिजल्ट मिले तब भी करना है, और रिजल्ट नहीं मिले तब भी आपको उन सारी एक्टिविटीज को या उन सारे स्टेप्स को जो हम इस वर्कशॉप के बाद में बताने वाले हैं, तो आपको निश्चित तौर पर इन सारी चीजों के परिणाम 200% आपको मिलने वाले हैं। होता यह है कि हम सारी चीजें सीख लेते हैं, सीखने के बाद उसमें अमल नहीं करते हैं। जब आप अमल नहीं करोगे, उस काम को एक्शन में लेकर के नहीं आओगे, तो क्या आपको कुछ फायदा मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। तो आपको सिर्फ यही करना है कि एक्शन में लेकर के आना है। सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, ये आपको कहीं ना कहीं व्यवधान उपस्थित करेगा। शुरू में जो उपस्थित करेगा आपको अड़चने पैदा करेगा, आपको जो बेचैनी होगी, आपको जो डर लगेगा, वो आपका कॉन्शियस माइंड है जो हमेशा आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। क्योंकि दोनों माइंड के बारे में हमने एक चीज देखी हुई है कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है
और वो कभी भी कोई तर्क नहीं करता, उसको जैसी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जितनी भी तकलीफें पैदा होती है वो किस वजह से होती है, हमारे चेतन मन की वजह से होती है, जिसके पास में तर्क शक्ति है, जो बार बार चीजों को अपने तरीके से लॉजिक लगा करके देख करके कोशिश करता है और उस काम को क्यों हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है करके छोड़ देता है। लेकिन आपका अर्ध जागृत मन, जो आपका अवचेतन मन है, वो कभी भी इस तरह की स्थिति में नहीं आता है और जिस भी काम को दिया जाता है वो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना शुरू कर देता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो आपके चेतन मन को आपको कंट्रोल करना है, बार बार वो आपको कोशिश करेगा, लेकिन आपको रिजल्ट मिले चाहे ना मिले आपको क्या करना है, उस काम को करते रहना है। तो आपको जो पीड़ा होती है, आपको जो डर लगता है, आप काम नहीं कर पाते हो, किस लिए नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये आपकी बरसों की आदत है, सालों साल से आप ऐसा ही करते आ रहे हो। तो जब भी कोई नया काम करोगे फिर वही स्थिति बनेगी, फिर वही डर लगेगा, फिर आपको चिंता होगी, फिर वही अंदर से आवाज आएगी पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, फिर वही आपका मन बोलेगा कि पता नहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, और आप उस काम को बीच में ही छोड़ दोगे, कुछ ना कुछ बहाना आपको ढूंढ ही लोगे। आप आज तक ढूंढते आए हो, फिर आपका वो मन जो है बहाना ढूंढने की कोशिश कर लेगा। तो अभी क्या करना है, कमिटमेंट कैसे भी करके कितने दिन करना है आपको? 20 दिन में तो आदत पड़ी जाएगी।